नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में बढ़े बिजली के रेट, बिजली कंपनियों की याचिका पर नियामक आयोग ने 13 पैसे FCA बढ़ाया। अब 200 यूनिट पर 28 रुपए बढ़कर आएगा बिल। मध्य प्रदेश में बिजली कंपनियों ने ईंधन प्रभार समायोजन चार्ज बढ़ा दिया है। कंपनियों ने 13 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा दी है। अब 20 पैसे की दी गई रिलीफ महज 7 पैसे ही रह गई है। इस बढ़ोतरी से बिजली उपभोक्ताओं को अगले महीने से 2.60% बोझ बढ़ जाएगा। ये बढ़ोतरी 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक प्रभारी रहेगी। 100 यूनिट खर्च करने वालों पर कोई भार नहीं बढ़ेगा, लेकिन उससे ज्यादा यूनिट होने पर बिल बढ़ा मिलेगा। 200 यूनिट के बिल पर 28 रुपए ज्यादा देने होंगे। प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बिजली कंपनियों ने एक बार फिर झटका दिया है। आयोग द्वारा ईंधन प्रभार समायोजन में दी जा रही 20 पैसे प्रति यूनिट की छूट को 1 अक्टूबर 2021 से 13 पैसे घटाकर 7 पैसे प्रति यूनिट कर दिया है। यहां बताते चलें कि ईंधन प्रभार समायोजन में लागू 20 पैसे प्रति यूनिट की छूट को ऊर्जा मंत्री द्वारा बिजली दरों में कमी के रूप में पेश करते हुए वाहवाही लूटी थी। हम दिखाते रहें लगातार खबरें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना न भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।